अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स एन ऑकवर्ड सलाम, लेकिन मैं एक साल में भूल गई हूँ कि यूट्यूब की वीडियो में कैमरे को सलाम कैसे करते हैं, तो इसीलिए अस्सलामुअलैकुम। खैर, अच्छा तो मेरा ताल्लुक एक पाकिस्तानी आर्ट स्कूल से है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मज़े का स्कूल है वैसे, लेकिन खैर। अच्छा तो मैं वहाँ पर अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मीडिया मेरा मेजर है, और द फन थिंग इज़ कि मेरी फोटोग्राफी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। फोटोग्राफी क्लासेस, यू नो, अक्स निगारी, मेरे बचपन का शौक, मेरा पसंदीदा काम। नहीं, फॉर रियल मेरे बचपन का शौक था। तो अब यू नो, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। वैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा, अगर आवाज़ आ रही है उनकी तो। हाँ तो खैर, तो अब आजकल ये हो रहा है कि अब जब मेरी फोटोग्राफी क्लास स्टार्ट हो गई हैं, जस्ट एज आई मेंशनड, मुझे मिल रहे हैं असाइनमेंट्स। वैसे तो हमें हफ्ते में बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं, लेकिन मैं सिविल सर्विस वाले की बात करूँगी, अपने पसंदीदा असाइनमेंट्स की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो बनाई जाए और अपनी क्लास की भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब मेरे रिश्तेदार मुझसे किसी भी शादी में पूछेंगे कि लेकिन तुम करती क्या हो, तो मैं उन्हें वो सेंड कर सकती हूँ वीडियोस की लिंक, व्यूज़ ही बढ़ जाएंगे। दूसरी जो वजह है वो ये कि मे बी इन लाइक 5, 7, 10 ईयर्स जब भी मैं एक ढंग की फोटोग्राफर बन जाऊँगी, तो तब आई कैन जस्ट लुक बैक एंड लुक एट हाउ फार आई हैव कम। होपफुली आई वुड गो फार। ईदर वे इट विल बी अ गुड जर्नी फॉर मी, होपफुली। तो आई एम काइंड ऑफ इन्वाइटिंग एवरी वन टू जॉइन मी ऑन दिस जर्नी ऑफ फोटोग्राफी। मेरा हाथ फ्रेम से बाहर जा रहा है बार बार। कराची की सड़क पर उछलते उछलते मैं क्लिफ्टन में IVS पर पहुंची, और तीसरे फ्लोर तक जाने के लिए तो लिफ्ट की मदद लेनी ही पड़ती है। और यूँ मैं कैमरे का बैग लटकाए फोटोग्राफी स्टूडियो में दाखिल हुई, जहाँ सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेक्चर का आगाज़ मेरी इंस्ट्रक्टर फराजी ने फोटोग्राफी की तारीख से किया, जिससे मुझे मालूम हुआ कि कैमरा ऑब्सक्यूरा का कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने निकाला था। हमें एक्सपोजर की बेसिक्स समझा कर फील्ड में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे हम लोग गार्डन में जा रहे हैं फोटोग्राफी प्रैक्टिस करने, और बस सब लोग कैमरा निकाल कर शुरू हो गए। मॉडलिंग हमारे लिए IVS के कछुओं और मुर्गियों ने की उस दिन, तो और अलीजा ने। फिर ये हुआ कि यू नो, जब इतनी देर तक क्लास है तो हम लोग ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं थोड़ी देर में, और क्लास के ख़त्म होने तक हम लोगों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी होती है। हाँ, क्लास ख़त्म होने में 2 घंटे, कम ऑन आओ। Two hours later. Hey guys, it looks so cool. Okay guys, हम स्टूडियो जा रहे हैं। Bye. हमें तो लो फ्रेम में सालो। ये लो। यार मेरी बर्थडे है। मैं इतना ये की बर्थडे है यार, क्या? ऐसा मेरी बर्थडे है। चुप कर जाओ। वो डांस कर रही है यार, उसकी वीडियो बना। I'm gonna pick up the phone. Yay. I'm the one whose birthday it is just by the way. मेरी बर्थडे। I love you. अच्छा तो अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की, जो कि मुझे मिले, यानी शटर स्पीड पर। कैमरे की शटर स्पीड को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, जहां तक मुझे समझ में आता है, तो वो इस हिसाब से ये है कि कितनी देर में कैमरे का शटर खुलेगा और बंद होगा, राइट? तो आप बहुत फास्ट जा सकते हैं, बहुत फास्ट, लाइक आप आई थिंक मोस्ट कैमराज में आप 1/4000 स्पीड सेकेंड की स्पीड पर जा सकते हैं, जो कि इज़ लाइक 1 सेकेंड का 4000वां हिस्सा। मैं मुझे नहीं पता मैं मतलब इसको प्रोनाउंस सही करी या नहीं करी, बट या इट लिटरली मीन्स दैट। तो फास्ट में हम लोग बहुत फास्ट चीज़ों की तस्वीरें लेते हैं। वाह वाह। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है या पानी बह रहा है, सब स्टफ़ लाइक दैट। फिर स्लो शटर स्पीड पर जब हम लोग आते हैं, तो उसमें ये होता है कि शटर स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। स्लो शटर स्पीड पे शटर स्पीड स्लो हो जाता है। कैप्टन ऑब्वियस, आई नो। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप
बहुत ज़्यादा देर तक अपना कैमरा खोल के रख सकते हैं जिससे अंधेरे में बहुत अच्छी तस्वीरें आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइट ट्रेल्स होती हैं ना वो स्लो शटर स्पीड पे लेते हैं, और जितनी भी सितारों की अक्सबंदी फलकियाती बल्कि ओहो क्या क्रेजी कर दिया मैंने तो उर्दू में, हाँ तो जो वो होती है ना वो क्या होती है फोटोग्राफी जो सितारों वाली होती है ना तो वो स्लो शटर स्पीड पे होती है, तो उससे सारे सितारे नज़र आ रहे होते हैं खूब चमक चमक कर। जो मैंने अपना फ़र्स्ट ट्राई किया वो मैंने किया सिंधबाद में। अच्छा सिंधबाद में कोई 10 साल बाद गई थी और मुझे वहाँ जाकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई देख के कि वहाँ पे बच्चे इतना इन्जॉय कर रहे हैं, और कराची इतना डिप्रेसिंग सिटी है कि इतने सारे बच्चों को इन्जॉय करता हुआ देख के मैं रिफ़्रेश हो गई। और मैं वहाँ पर अपने पापा के साथ गई थी, और प्लीज़ मेरे पापा को याद रखिएगा क्योंकि वो मेरी पूरी वीडियो में एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वही मुझे हर जगह लेके जाते हैं। मैंने वहाँ पर अपना कैमरा सेट किया राइड्स के पास रेलिंग्स में, और मैंने पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा मुश्किल था लेना क्योंकि वहाँ की राइड्स की वजह से एवरीथिंग वाज शेकिंग, तो जब स्लो शटर स्पीड में आप ले रहे होते हैं ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा हिल ना रही हो पिक्चर। और हाँ उसके लिए आई हैव अ टिप फॉर स्लो शटर स्पीड, जो कि यह है कि जब भी आप स्लो शटर स्पीड में जा रहे हो तो क्योंकि कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड करने लग जाता है इवन लाइक द मूवमेंट व्हेन यू प्रेस द शटर, तो व्हाट यू शुड रियली डू इज़ पुट योर कैमरा ऑन टाइमर ताकि वो मूव ना करे। और हाँ ट्राइपॉड तो मस्ट है, वो तो मस्ट है। ये वाला तो मेरा फर्स्ट ट्राई था, और हाँ इसके सारे रिजल्ट मैं आखिर में दिखाऊँगी, पक्का दिखाऊँगी, सही है, मतलब डिच नहीं करूँगी मैं, दिखाऊँगी, तो इसलिए आप भी आखिर तक देखिएगा वीडियो या फिर अभी आगे करके देख लें, लेकिन फिर आप बीच वाला मज़े वाला पार्ट मिस कर देंगे। फिर ये हुआ कि दूसरे दिन मैंने अपने भाई को खड़ा किया फास्ट शटर स्पीड के लिए कि वो गुब्बारा फोड़े, और ये हम लोगों ने कुछ ट्राइज किए, और इस मैंने बहुत बेहतरीन पिक्चर ली थी, मतलब मेरे हिसाब से बेहतरीन थी। लास्ट वाले में मैं और पापा साहिल समंदर की तरफ निकल गए, कराची में तस्वीरें ले रहे हैं, क्लिफ्टन में ना जाएँ ऐसा मुमकिन कैसे है भाई, नोप नॉट पॉसिबल। और वहाँ पर फिर मैंने फास्ट शटर स्पीड भी ट्राई किया और लो शटर स्पीड भी ट्राई किया, और अब आते हैं हम लोग मेरे फेवरेट पार्ट पे, रिजल्ट्स की तरफ। बस इतना ही है आज की वीडियो में, वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन खैर अगर आपने आखिर तक देख लिया थैंक यू सो मच, आखिर तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लें मेरी और वीडियोस देखने के लिए, प्रॉबेबली मैं अपनी क्लास के बनाती रहूँगी क्योंकि मुझे मज़ा आया बनाने में अच्छा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें प्लीज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। It was a bad transition. I'm sorry. Allah Hafiz.